23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जन्मे चंद्रशेखर आजाद। पंद्रह साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदकर आजादी की लड़ाई के योद्धा बन गए। अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत में जब जज ने नाम पूछा तो आजादी के दीवाने चंद्रशेखर के जवाब अंग्रेजों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारा पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। अंग्रेजों ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हर कोड़े पर चंद्रशेखर सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उस घटना ने चंद्रशेखर को आजाद बना दिया। जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुए तो आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर 1925 में काकोरी रेल डकैती की योजना बनाई। यही वो जगह है जहां ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा गया था। सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। तब आजाद ने संकल्प लिया था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें कभी फांसी दे सकेगी। देश सजेगी।